केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद से विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेर रहा है। विपक्ष लगातार इसे बिहार सरकार की नाकामी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में फेल हो गए हैं। इसी कड़ी में अब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार का हक हम लेकर रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार का हक हम लेकर रहेंगे। अपने बजट भाषण में भी मैंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है और आगे भी करता रहूंगा। देखिए, मैंने मजबूती से बिहार के स्पेशल स्टेटस दर्जे की बात बजट स्पीच में भी किया है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फैसला है कि मैं इसको मजबूती से बिहार की आवाज को उठाऊंगा। बिहार जो आज बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होता है, उसको अगर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना ही चाहिए। चाहे कोई भी पैरामीटर अगर ये बात करती है भारत सरकार की नहीं फिट बैठता है तो अपने हिसाब से सरकार पैरामीटर बदल सकती है, ये सबको मालूम है। और संविधान में ये वाजिब हक है कि बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको या तो बड़ा स्पेशल पैकेज देना चाहिए था या फिर बिहार जैसे राज्य को आर्थिक बदहाली से मुक्ति के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए। तो हम ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को चलाएंगे और जब तक स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता है बिहार कांग्रेस चुप नहीं बैठी। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश किया है। बजट में बिहार को लगभग 60,000 करोड़ का फंड मिला है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसी भी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।